मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कयासों से इतर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने नए मंत्रिपरिषद में सहयोगियों को मंत्रालयों का जिम्मा सौंपते समय साफ कर दिया है कि वो सुधारों को जारी रखने और गवर्नेंस को ही अहमियत देंगे। ये साफ हो गया है कि मंत्रालयों के बंटवारे में घटक दलों का दबाव काम नहीं आया और ज्यादातर अहम मंत्रालय बीजेपी के कोटे के मंत्रियों के पास ही है, यानी हैवीवेट मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं। सीसीएस में किसी सहयोगी दल की एंट्री नहीं हुई है। कुल मिलाकर 5 सहयोगी दलों में से 5 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें से टीडीपी कोटे से मंत्री बने राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन जैसा अहम मंत्रालय जरूर मिला है, लेकिन जेडीयू कोटे के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मिला है। जीतन राम मांझी को एमएसएमई और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। इस मंत्रालय का कार्यभार उनके पिता रामविलास पासवान और चाचा पशुपति पारस भी संभाल चुके हैं। जेडीएस से मंत्री बने जी कुमार स्वामी को भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय दिया गया है। सहयोगी दल खासतौर पर जेडीयू की नजर रेल मंत्रालय पर थी, लेकिन इसमें चल रहे व्यापक सुधार और नीतिगत बदलाव की वजह से पीएम मोदी ने अपने भरोसेमंद अश्विनी वैष्णव पर ही भरोसा जताया है। बिहार से सहयोगी दलों को भारी भरकम मंत्रालय न मिलने पर सियासी वार पलटवार जारी है। हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है, काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुंझुना जो है थमाया। प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर रखा है उस विश्वास में पूरी तरीके से खरा उतरूंगा। भाई मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है, मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है। कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है, आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि उस मंत्रालय के माध्यम से आप जनता को लाभ दिला सकें। पीएम ने पिछले सरकार के टॉप 4 मंत्रियों पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो बीजेपी कोटे से ही शामिल अन्य कैबिनेट मंत्रियों को अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह लगातार दूसरी बार रक्षा मंत्रालय संभालेंगे, अमित शाह को गृह और सहकारिता मंत्री फिर बनाया गया, निर्मला सीतारमन वित्त तो एस जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने रहेंगे, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, शिवराज सिंह चौहान कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को फिर से शिक्षा मंत्री बनाया गया, सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री बनाए गए हैं, वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है, जुएल उराव को जनजातीय मामलों का मंत्रालय मिला है, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा मिला है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संभालेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्री और पूर्वोत्तर विकास का जिम्मा मिला है, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संभालेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बार संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय मिला है, पहली बार कैबिनेट मंत्री बनी अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है, किरण रिजिजू को प्रमोशन मिला है, वो संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाए गए हैं, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बने रहेंगे, मनसुख मंडाविया को श्रम एवं रोजगार के साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, जी किशन रेड्डी को कोयला और खनन मंत्रालय मिला है, पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल हुए सी आर पाटिल नए जल शक्ति मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है, 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास हो उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है, हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपने भूमिका पालन कर रहा है उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे।
सहयोगी दलों से बनाए गए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और अन्य राज्य मंत्रियों को भी कोई बड़ा मंत्रालय हाथ नहीं लगा। शिवसेना से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने प्रताप राव जाधव को आयुष मंत्रालय दिया गया है, साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का कार्यभार देखेंगे। हालांकि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने कैबिनेट मंत्रालय नहीं दिए जाने पर नाखुशी जताई थी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को दो विभाग मिले हैं। जयंत चौधरी को कौशल मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार देने के साथ शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। जयंत पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। राज्य मंत्रियों में सहयोगी दल आरपीआई के रामदास आठवले को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को कृषि मंत्रालय, टीडीपी के चंद्रशेखर पेमस्तानी को ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय दिया गया है। इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ गिरा, लेकिन फिर भी पार्टी को 12 सांसद मिले हैं। लेकिन मोदी 3.0 में पश्चिम बंगाल से सिर्फ दो राज्य मंत्री बने हैं। सुकांता मजूमदार को शिक्षा और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला है, तो शांतनु ठाकुर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री बनाए गए हैं। इस बार 12 सीट मिलने के बाद भी एक भी कैबिनेट मिनिस्टर बंगाल को नहीं मिला। इससे यह साबित होता है कि बंगाल बीजेपी का नजर में कभी नहीं है। बंगाल का डेवलपमेंट करने का सोच बीजेपी का कभी नहीं है। बंगाल का डेवलपमेंट ममता बनर्जी द्वारा ही होगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर प्रशासनिक हिसाब से देखें तो मंत्रालयों का बंटवारा संतुलित है। एनडीए सहयोगी दल इससे कितना संतुष्ट होंगे ये देखना होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं होने की वजह से सहयोगी दलों का दबाव रहेगा। दबाव की राजनीति कैसे काम करती है देखना होगा।